गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 8 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. द चैप्टर नेम इज़ द किंग एंड द फिशरमैन. इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक किंग और एक क्वीन रहते हैं. वो एक रॉयल गार्डन के एक टिग्रिस नामक नदी के किनारे खड़े रहते हैं. वहाँ पर एक फिशिंग बोट को देखते हैं. राजा जिसको फिश बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, वो फिशिंग बोट को देख करके बहुत खुश हो जाता है. और फिर उसके बाद देखता है कि वहाँ पर फिशिंग बोट में एक फिशरमैन है जिसके पास एक लार्ज फिश है. फिर वो नोटिस करता रहता है फिशरमैन को, और फिशरमैन उसके पास आकर के उस फिश को उसको गिफ्ट कर देता है. किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको मछलियाँ बहुत पसंद होती हैं. इसलिए वो लार्ज सम ऑफ मनी, कुछ पैसा उठा करके एक बैग ऑफ मनी उसको दे देता है. फिर क्वीन उससे कहने लगती किंग से कि आपने ये सही नहीं किया, छोटी सी चीज़ के लिए इतना बड़ा सा गिफ्ट दे दिया. और फिर उसके बाद राजा गुस्से में हो जाता है. फिर उसके बाद वो कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता. फिर रानी किंग क्वीन जो रहती है वो उसको समझाती है राजा को कि तुम किसी दूसरे तरीके से, एक और रास्ता है मेरे पास जिसके तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. वो क्वीन किंग से कहती है कि आप ये उससे ये पूछिए कि ये फिश मेल है कि फीमेल है. अगर वो कहेगा कि मेल है तो आप कहना कि फीमेल चाहिए थी, और अगर वो कहेगा फीमेल है तो आप कहना कि मेल चाहिए थी. तो ये सब होने के बाद फिर क्या होता है कि वो फिशरमैन को बुलाया जाता है. फिशरमैन जब उससे पूछा जाता है कि फिश मेल थी कि फीमेल थी, तो फिशरमैन बहुत ही क्लेवरली आंसर देता है कि ना तो ये फिश मेल थी ना फीमेल थी. और राजा उसके आंसर से फिर बहुत खुश हो जाता है, उसको फिर पैक ऑफ मनी दे देता है, सम ऑफ मनी दे देता है. फिर उसके बाद क्या होता है इसके आगे से मैं पढ़ाऊँगी आज. द किंग स्माइल्ड एट दिस क्लेवर आंसर एंड टू ऐड टू द क्वींस अनॉयंस. Annoyance means होता है आपका irritation. The king smiled at this clever answer. और फिशरमैन के इस आंसर पर किंग बहुत खुश हो जाता है, और क्वीन के अनॉयंस, क्वीन के इरीटेशन को अवॉइड करते हुए वो फिर से डायरेक्टेड द कीपर, कीपर को बुला करके उसे फिशरमैन को फिर सम ऑफ मनी दे देता है. देन द फिशरमैन प्लेस द मनी इन हिज लेदर बैग, थैंक द किंग एंड हरीड अवे. और फिर फिशरमैन क्या करता है, उस मनी को लेदर बैग में रखता है और किंग को थैंक यू कह करके वहाँ से चला जाता है. बट नॉट सो क्विकली दैट ही डिड नॉट नोटिस दैट ही हैड ड्रॉप्ड वन स्मॉल कॉइन. और फिर वो जाता रहता है तो अचानक से उसके बैग से एक स्मॉल कॉइन गोल्ड का गिर जाता है. प्लेसिंग द बैग ऑन द ग्राउंड ही स्टूप्ड द एंड he stooped and picked up the coin and again went on his way with the queen and king carefully watching his every action. फिर क्या करता है, वो जब उसका कॉइन गिर जाता है तो वो बैग को ज़मीन पर रख करके कॉइन धीरे से उठा करके उस बैग में डाल लेता है. और ये सारी चीज़ें किंग और क्वीन देखते रहते हैं. लुक वॉट अ माइजर ही इज़. माइजर मीन्स कंजूस और पैसे का लालची. तो सेट द क्वीन ट्रियम्फेंटली मीन्स ट्रियम्फेंटली क्यों, क्योंकि क्वीन विक्टोरियस यहाँ पर होगा. यहाँ ट्रियम्फेंटली मीन्स होता है विक्टोरियस. तो यहाँ पर क्वीन ने विक्ट्री क्यों पाई थी, क्योंकि उसने ये साबित किया था कि फिशरमैन जो है वो एक माइजर पर्सन है, और यहाँ पर वो शो हो गया था. He actually put down his bag to pick up one small coin because it grieved him to think that it might reach the hands of one of the king's servant. और फिर क्वीन ने किंग से क्या कहा कि इसने बैग रख करके नीचे कॉइन को उठा लिया, ये छोड़ा भी नहीं कि वो कॉइन किसी किंग के सर्वेंट के काम आ जाएगा, और सम पुअर पर्सन, या तो किसी पुअर पर्सन को मिल जाएगा हु कुड बाय फूड, जो अपना खाना खरीद पाएगा और राजा के लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे कर सकता है.
तो मींस क्वीन ने ये कहा कि उस क्वाइन को गिर गया, उसका क्वाइन एक गिर गया, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं, वो इतना माइजर था। और अगर वो छोड़ देता तो किंग के किसी सर्वेंट के काम आ जाता या किसी पुअर पर्सन के काम आ जाता, जो कि राजा को लंबी दुआएं देता, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करता और खाना खरीद के खा सकता। अगेन यू स्पीक द टू माई क्वीन, रिप्लाइड द किंग। और किंग ने क्या कहा कि तुमने दोबारा से क्वीन सही बात कही है, सच्चाई कही है। फीलिंग दैट दिस वॉज अ जस्ट रिमार्क, वंस मोर द फिशरमैन वॉज ब्रॉट इन टू द रॉयल प्रेजेंस। और फिर क्या हुआ कि ये एक रिमार्क की तरह समझ के फिशरमैन को फिर से बुलाया गया। आर यू अ ह्यूमन बींग और अ बीस्ट? राजा ने क्या पूछा? आज द किंग आज्ड हिम कि किंग ने फिशरमैन से क्या पूछा कि क्या तुम एक ह्यूमन बीइंग हो या कोई बीस्ट हो? ऑल दो आई मेड इट पॉसिबल फॉर यू टू बिकम रिच विदाउट टॉयल। और फिर उसने क्या कहा कि टॉयल मीन्स होता है आपका हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। तो राजा ने क्या कहा? ऑल दो आई मेड इट पॉसिबल, मैं तुम्हारे लिए ये संभव कर सकता हूँ कि तुम एक बहुत रिच पर्सन बन जाओ बिना किसी हार्ड वर्क के, येट द माइजर विद इन यू कुड नॉट अलाउ यू टू लीव इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फॉर अदर्स। येट द माइजर इन यू, जो तुम्हारे अंदर ये चालाकी है, जो पैसे की लालच है, कुड नॉट अलाउ यू टू इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फॉर अदर्स। तुम्हें बिल्कुल भी एक पैसा भी छोड़ने के लिए नहीं कहा। जो तुम्हारे अंदर जो माइजरी की क्वालिटी है, जो माइजरी की फीलिंग है, उसने तुम्हें एक भी पैसा यहाँ पर छोड़ने नहीं दिया जो किसी और के काम आ सके। देन द किंग टोल्ड हिम टू गो अवे एंड नॉट शो हिज पेन इन द किंगडम अगेन। और फिर राजा ने क्या कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपना चेहरा यहाँ कभी मत दिखाना। हियरिंग दिस द फिशरमैन फेल ऑन हिज नीज एंड क्राइड। और ये सुन करके फिशरमैन क्या किया, राजा के पैर पर गिर गया और रोने लगा। हियर मी ओ किंग प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, उसने कहा कि मेरी बात सुनिए राजा, प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, गरीबों के मसीहा। नॉट फॉर इट्स वैल्यू डिड योर सर्वेंट पिक अप द क्वाइन, बट बिकॉज ऑन वन साइड इट बोर द नेम ऑफ गॉड एंड ऑन द अदर द लाइकनेस ऑफ द किंग। और उसने क्या कहा कि मैंने ये पैसा इसलिए सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि मैं उस क्वाइन को भगवान का रूप समझता हूँ, उस पैसे को भगवान का रूप समझता हूँ और आपको भी भगवान का रूप समझता हूँ, इसलिए मैंने उस पैसे की, उस कॉइन की रिस्पेक्ट की, इसलिए मैंने उसको उठा लिया। योर हम्बल सर्वेंट फियर दैट सम वन नॉट सीइंग द कॉइन। और योर हम्बल सर्वेंट, आपके जो सर्वेंट्स हैं, सॉफ्ट हार्टेड जो सर्वेंट हैं, फियर दैट सम वन नॉट सीइंग द कॉइन वुड ट्रेड इट। और जैसे कि उसने क्या बोला कि सर्वेंट जो आपके हैं उन्होंने इस कॉइन को नहीं देखा था उस इनटू द डर्ट, अगर वो नहीं देखते तो ये डर्ट ही हो जाता। एंड सो डिफाइल बोथ द नेम ऑफ गॉड एंड द फेस ऑफ माई किंग। और सो डिफाइल, डिफाइल मीन्स होता है डिसरिस्पेक्ट, और ये एक अपमान होता नेम ऑफ गॉड का, भगवान का, और राजा के गिफ्ट, दिए हुए गिफ्ट का। एंड द फेस ऑफ माई किंग, और मेरे राजा का अपमान होता। मीन्स उसने क्या कहा कि उसने कॉइन सिर्फ इस वजह से उठाया क्योंकि उस कॉइन को वो भगवान का रूप समझता है, पैसे की रिस्पेक्ट करता है, और जो राजा ने उसको गिफ्ट दिया था अपनी तरफ से उसका भी वो रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो राजा का बहुत सम्मान करता है। इसलिए उसने कहा कि अगर मैं उसको छोड़ देता और किसी सर्वेंट की नज़र उस पर ना जाती तो वो डर्टी हो जाता, धूल से भरा हो जाता और उसका अपमान होता, आपके गिफ्ट का अपमान होता। दिस आंसर प्लीज द किंग बियॉन्ड ऑल मेजर्स एंड ही एट वंस कमांडेड द कीपर ट्रेजरी टू गिव द फिशरमैन अनदर लार्ज सम ऑफ मनी। और फिर इस आंसर से राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और कमांडर से फिर ऑर्डर कमांडर को फिर उसने ऑर्डर दिया कि उसे लार्ज सम ऑफ मनी दिया जाए, कुछ पैसा दिया जाए।
इवन द क्वीन वॉज सो ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फिशरमैन्स विजडम, और फिर क्वीन भी उसकी विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता से, उसकी समझदारी से बहुत खुश हो गई, एंड दैट हर रैथ वॉज टर्न्ड अवे. और फिर क्या हुआ, रैथ मीन्स एंगर, उसका गुस्सा खत्म हो गया. शी लुकड एट हिम एंड विद एडमायरेशन, एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा करना, तारीफ करना, और वो भी उसके तरफ तारीफ से देखने लगी, उसकी तारीफ करने लगी. एज ही डिपार्टेड विद हिज बैग लैडन विद मनी, लैडन विद मीन्स होता है फिल्ड विद मनी, और फिर वो डिपार्टेड मीन्स वहाँ से चला गया, अपने बैग जिसमें पैसा भरा हुआ था उसको लेकर के वहाँ से चला गया. तो स्टूडेंट्स, आज मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया. इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं आपको करना है, परसीविंग, एमिएबल, रीजनेबली, एनोयंस, पैशनेटली, ग्रीव्ड, टॉयल, ट्रेड, डिफाइल, रैथ. ये आपको वर्ड मीनिंग कॉपी में करना है. देन हियर्स एक्सरसाइज इज गिवेन, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके हु सेड टू हुम, इसमें सिर्फ हु सेड टू हुम मैंने करा, ये सब कट कर दिया. इसको आपको बुक में ही करना है, सिर्फ कॉपी में नहीं करना है. इसको मैंने कर दिया है, आप बुक में इसको फिल कर लीजिएगा. फिर है मैचिंग, जैसे कि मैं हमेशा आपको होमवर्क देती आई हूँ, ये आपका होमवर्क है. डी एक्सरसाइज को कट कर देना है, नहीं करना है. ये एफ एक्सरसाइज है, इसको भी आपको बुक में करना है. देन क्वेश्चन आंसर इज गिवेन, 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको आपको कॉपी में करना है. यू कैन राइट इट ऑन योर कॉपी विद पॉजिंग द वीडियो. ओके, टिल देन आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं. कल मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूंगी. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.